स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल कुमार आप सबका स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम आप सब जानते हैं, आप लगातार हमारे इंटरव्यूज को देख रहे हैं, हम हर बार स्वच्छकार समाज की आवाज में से ऐसी आवाज को शामिल करते हैं जिन्होंने बहुत सारा जीवन में अपने अनुभव को देखा है, झेला है, समाज के चारों तरफ के वातावरण में जो जो उन्होंने अपने अनुभवों को उत्पीड़न को अपने बदलाव को समाज में क्रांति का बीड़ा उठाया है, ऐसे समाज के लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज चर्चा की इस कड़ी में हमारे साथ जो शामिल हैं वो ऐसे शख्सियत हैं जो बहुत एक उम्र के ऐसे पड़ाव तक भी पहुंच चुके हैं जिन्होंने अपने बच्चों को न केवल देश तक बल्कि विदेश तक की उड़ान तय की है, उन्हीं से हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सारी भूमिका ना बताते हुए बस मेरे दर्शकों को आज ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी उम्र के एक व्यक्तित्व से मैं आप सबको रूबरू करा रही हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी ऑडियो में सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्वच्छकार समाज की वो अनकही आवाज आप सबके बीच में आए। सर बाबूजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, क्या आपका नाम है, आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जी बाबूजी, चांदपुर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरनगर। सो आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल I could be able to pass my MA in English Literature in 1964. So after that, because I belong to a very poor family, so I was in search of a job. Then I wanted to be a teacher or lecturer somewhere in the schools. Well, I tried to contact so many schools, colleges, where I was refused admission or any job due to my being scheduled class, that too Valmiki. So I was shocked. After that, I applied for a job for senior auditor in the Ministry of Defense. So I got a job, and after putting in 33 years service, I retired as senior auditor from the defense. And now I'm in Delhi, and since then, I've been teaching the students. I started a private tuition center wherein I have been rendering my services, my contribution to my students belonging to our community. And as of now also, I am teaching the students. But I have experienced in my life that I had been rejected by the so-called Sonkas and others because of my community. I confronted a great amount of afflictions and hatred and difficulty in my life. Jee, and excuse me. Excuse me, sir. Sir, would you like to speak in Hindi little bit also so that our audience can hear you properly? Achha, achha. Please try to speak in Hindi also. Don't. अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक छोटे से गांव चांदपुर में पैदा हुआ है, बहुत गरीब घर में। मेरे पिताजी का नाम जुम्मन सिंह राजौरिया। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये भी थोड़ा बता दीजिए। मेरी उम्र नाउ मैं 84 कंप्लीट करने जा रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ 84 के बाद भी मैं अब रिटायर होने के बाद भी मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अपने शेड्यूल क्लास के बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ और ये मैंने अपने जीवन में सीखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर जो मैक्सिमम पॉसिबल अपने लिए हो सकता है अपने समाज के लिए करना है। दिल्ली में मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया, शेड्यूल क्लास मीटिंग अटेंड की और उनमें जो है ना मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि मैंने अपने बच्चों को इन्वाइट किया कि भाई मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को मैंने पढ़ाया और इस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 84। और कुछ
ट्विटर से। अब मैं घर पर रहता हूँ, अपने डेट ऑफ बर्थ पूछना जी। हाँ जी जी, हाँ। आपके आपके माता पिता उस वक्त क्या काम करते थे और आपकी जन्म तिथि क्या आपको पता है, ये थोड़ा सा और बता दीजिए। मेरी माता पिता गांव में रह करके वो मजदूरी करते थे, और मजदूरी भी क्या था, तो गांव में जो है ना गोबर ढोने का काम है, और लोगों का जो वहाँ काश्तकार है, किसान है, उनके यहाँ सर्विस करते थे। पार्टी कुछ बहुत गरीब थे, बच्चे ज्यादा थे, और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ऐसी हालात में मैं पढ़ कर के आया, और मुझे जो स्ट्रगल करनी पड़ी सामाजिक, वो मैं आपके सामने ये बयान कर दिया है कि मुझे जो है ना हर जगह हेट्रेड, और हर जगह मुझे काफी जो है ना परेशानी महसूस करनी पड़ी। इस समाज को हमारे समाज को इन लोगों ने कभी भी उठने नहीं दिया, मेरे से नफरत ही करते थे। मुझे जो है ना गांव में रहते हुए भी मेरे ऊपर अत्याचार किए, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं आगे जाऊं, पढ़ लिख कर कुछ बनूं। ये उस समय का रवैया था, उस समय का वातावरण था। अब मैं ये समझ गया हूँ कि अपने लोगों को उठाना, अपने भाइयों को कुछ बताना है कि हमने क्या परेशानियां जिंदगी में महसूस की है। अब जो है ना वो, ताकि ये चीज वो जो है ना अवेयर हो जाए, और जो उनमें उनको ये लगे पता कि हमने बुजुर्गों ने कितनी परेशानी के बाद हम उठ करके यहाँ पहुंचे हैं, और उनको ये महसूस हो कि हमने आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल हम यहाँ पर पहुंचे। अपने अपने जीवन के बारे में कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करें जो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा बने, और ये पता लगे कि हम कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ आगे बढ़े हैं, कैसे आप गांव से दिल्ली तक पहुंचे, ये थोड़ा सा बताइए। गांव से दिल्ली में पहले पढ़ता था, तो वहां से मैंने एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में जॉब लिया, और जॉब के बाद में मैं ट्रांसफर पर दिल्ली आया यहाँ पर। और लेकिन उस दौरान में मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि गरीब था, और गरीब होने के नाते में मेरे पेरेंट्स जो है ना मुझे पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया और मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मुझे जो दिक्कतें आई हैं वो ये है कि मुझे अनटचेबिलिटी ज्यादा थी, कहीं जॉब न मिला। बाद में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस में जॉब मिला, और यहाँ से मैं सीनियर ऑडिटर रिटायर हुआ जी। आप किस समाज से आते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसा समाज है आपका, आपके आसपास का वातावरण कैसा रहा है जिंदगी का जी। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, हमारे आसपास का वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं था। समाज लोग और दूसरे लोग हमारे आसपास में रहने वाले इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, लेकिन जहाँ मैं रहा हूँ तो मुझे तो एक धुन थी पढ़ने की, मुझे पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं पढ़ने लिखने के बारे में अब ये महसूस कर रहा हूँ कि आज पढ़ाई लिखाई के कारण ही मैं यहाँ हूँ। और बाकी जो है, जहाँ तक सवाल है, अपने भाइयों का, अपने समाज के लोगों का, उनमें कोई उस वक्त जागृति नहीं थी। मेरे कहने के बावजूद भी यार घर घर जाकर के हम उनको जगाते थे। मैं रुड़की में भी रहा हूँ, रुड़की में पोस्टिंग हुआ, मैं वहाँ पर प्रभु अम्बेडकर कल्चर इंस्टीट्यूट का जनरल सेक्रेटरी रहा। वो संस्था हमने 5 साल तक चलाई, उसमें हमने घर घर जा करके अलग जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श को उनको बताया, पढ़ाया, लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, हमारे लोग हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमको जो है ना इस तरह से तभी से हमारे मन में लगन रही है। मैं तो स्पेशली मैं ये रहा हूँ कि मैं किसी तरह से अपनी जाति ऊपर उठे, और इनको थोड़ा सा जाना ज्ञान प्राप्त हो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने
हमको जो मंत्र पढ़ाए हैं हम उसके मंत्रों पर हम ध्यान में रखते हुए चले और आगे उठे समाज में। जी सर, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकली एनवायरनमेंट विद यू? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यू हैव सीन ऑल ऑफ द पॉलिटिशियन लाइक मायावती एंड बामसेफ all over India, you have visited and you are the social worker also. That's why I'm asking to you, sir. No, of course, as far as the question of political environment is concerned, as you know, I was in central government office, so I did not take any interest to go to politics or to even participate or to attend any meeting of the politicians. But however, I can say that my experience about the politicians is that they are not too dear souls, and the politicians, as a matter of fact, I don't think that politicians are the too dear souls. And my experience, since I have been living in Delhi, I was in touch with so many MP, the minister belonging to our community. So their mission was also to get together and to spread the message of Dr. Ambedkar to our people, like that. Sir, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप उस जमाने के आप MA हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने लगातार लगातार पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, आपका इंग्लिश मीडियम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, अभी तक भी आप पढ़ा रहे हैं, तो ये जो आपका जो समुदाय है, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, ये क्यों अभी तक एजुकेशन से नहीं जुड़ पाया? आपका पूरा अनुभव रहा है सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, क्या 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 वजह रही जो आज तक भी जो वाल्मीकि समाज है वो मैनुअल स्पेंजिंग का काम ज्यादा करता है, आज भी एमसीडी में नौकरी करना ज्यादा इंटरेस्ट मानता है, या फिर एक तरह से आप कहें कि वाल्मीकि समाज जिस तरीके से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो अम्बेडकरिज्म मूवमेंट से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर रहा है, बार बार उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वाल्मीकि समाज कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं रहा या अम्बेडकरवाद को उसने नहीं अपनाया, अम्बेडकरिज्म मूवमेंट को वो आगे बढ़ा नहीं पा रहा, उसका आंदोलन इस तरीके से नहीं बन पाया, आप कैसे सोचते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी। जी वेरी राइट, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये प्रश्न मेरे सामने भी आया जब मैं रुड़की में था और मैं जाता था अपने भाइयों के पास, वाल्मीकि लोगों को बोलता था कि भाई एक मीटिंग है हमारी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ बात करनी है और आप लोगों को समझाना, तो उनका यही कहना था कि हमारा डॉक्टर अम्बेडकर से कोई संबंध नहीं है, तो हमने कहा भाई क्यों नहीं है, तो नहीं वो तो जो दूसरे लोग हैं जो दलित कास्ट से समाज जाति से हैं उन्होंने इनको अपना रखा और वो ही इसको उनको मानते हैं, हमारा तो उनसे कोई संबंध नहीं है, हम तो वाल्मीकि हैं। तो इस प्रकार की बातें सुनने में आती थी, लेकिन मैंने उनको समझा आते थे, मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर वो दलित थे और हमारा संबंध उनसे था, वो भी महाकास्ट थे, महा कम्युनिटी वही है जो सफाई काम करते हैं, और मोर ओवर आपको समझना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज भारत जो है ना उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है, आपको ये समझना है कि हमें उनके रास्तों पर बताए हुए रास्तों पर चलना है तभी उद्धार होगा। और एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ दिस कम्युनिटी इज कंसर्न, तो उनको कभी ये रहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और अगर ये जिस एक तो इनका शराब पीना काम करना और दूसरी ये है ना, इन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं कि हमारे बच्चे आगे पढ़ कर के जाए, इवन जो हमारे बीच में जो पढ़ लिख करके हमारे साथी आगे आए हैं, मुझे से मेरे कंटेम्प्रेरीज बहुत रहे हैं, उन्होंने भी काफी कोशिश की है, लेकिन वही है हमने तो ये अभियान निकाला कि ईच वन टीच वन, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी गए हमको निराशा मिली कि ये बच्चे आगे नहीं आए, और उसका कारण ये रहा है मेन कि हमारे जो लोग हैं ज्यादातर वो जिस
सर्विस पर थे उसको झाड़ू की नौकरी करते थे, जहाँ गांव में जाए तो गांव में गोबर उठाते थे। तो उन लोगों को ये पढ़ाई लिखाई के विषय में इतनी अज्ञान और इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतनी चेतना नहीं थी। अब धीरे धीरे आ रही है। अब जो है ना हम ये कहते हैं कि अब जो है ना हम जो है ना बढ़ रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग आए हैं निकल करके, बहुत से आए हैं और आ रहे हैं, मगर मेन कारण हमारा अपने वाल्मीकि लोगों का पिछड़ने का कारण यही है कि इनमें कोई जागृति चेतना नहीं आई। जी बाबू जी, मैं ये और जानना चाह रही थी आपको जो अच्छा लगे, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा या ऐसी घटना जो आपको आज तक भी याद है, या आपको जो आगे बढ़ने के लिए ललक पैदा जिसने की, कोई ऐसी घटना हमारे साथ जरूर शेयर करें। यस, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल हमारा पांचवी क्लास तक था, मदरसा। वहां से पढ़ने के बाद में मैं दूसरे गांव में छठी क्लास में गया। छठी से दसवीं पास किया मैंने दूसरे स्कूल से। दसवीं पास करने के वो दसवीं तक था स्कूल। उसके बाद में मैं आगे पढ़ने के लिए शहर मुजफ्फरनगर में आया। शहर मुजफ्फरनगर में जब आया तो वो वहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर था। तो गांव से डेली आना जाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे पिताजी ने कैसे कैसे करके सेकंड हैंड मुझे एक साइकिल दिलाई। उस साइकिल से मैं गांव में आना जाना शुरू कर दिया। एक बार घटना ऐसे घटी मेरे साथ कि मैं स्कूल से घर लौट रहा था रोज आना की तरह से। तो रास्ते में मुझे जो है कुछ लोग मिले गांव के, मुझे नहीं मालूम था वो कौन थे, लेकिन मैंने आवाज से पहचाना। एक नहर के किनारे से होते हुए जाना होता था, उस नहर के किनारे पर जो है ना वो ग्रोह लोगों का वहाँ खड़ा हुआ था। और उन्होंने जब मैं साइड से बच निकला तो वो मेरे पीछे भागे और उन्होंने मेरा नाम लिया, ना मैं खड़े हो जाओ वरना जान से मार देंगे। तो मैंने उनकी आवाज पहचानी। आवाज पहचानी तो वहां के जाट लोग थे और दूसरे सोर कास्ट के लोग थे। वो मुझे लिक्विडेट कर डालना चाहते थे, मुझे मार के नाले में डाल देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पढ़ लिख करके आगे जाए। तो मुझे बहुत शौक लगा, मैं कैसे ना कैसे अपनी जान बचा कर तो घर छोड़ गया। मेरी माँ, मेरे वाइफ, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत ही बचपन में हो गई थी, तो वे इनको सबको बहुत ही आघात लगा। और मेरी माँ उसी दिन अगले दिन लेकर के मुझे शहर के लिए मुजफ्फरनगर के लिए निकल गई। यही कारण था शहर में आने का कि मैं मुजफ्फरनगर में बसा। मेरी माँ लेकर के मुझे शहर में आ गई। वहाँ मेरी चाची रहती थी, उन्होंने हमें शरण दी। और लेकिन मुझे ये सबक मिला कि अगर मैं गाँव में होता तो मुझे मार देते वो लोग। और वहाँ के बाद में मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। वहाँ मुझे शहर में आकर के बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। कोई रहने के लिए जगह नहीं थी और कोई सहारा नहीं था। लेकिन मेरी माँ ने कहीं काम किया, बर्तन मांजे, पड़ोस में काम किया और कुछ में ट्यूशन पढ़ाने लगा। उससे मेरा काम चलने लगा और वहाँ से ही मैंने अपना कैसे कैसे करके MA की क्लास पास की। उसमें भी मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मुझे फीस जुटाने में बड़ी दिक्कत हुई। मैं किसी से उधार लेता था तो वो बड़ी हेटर उससे जाते थे। एक दफे त्यागी के यहाँ में गया पैसे लेने के लिए और मैंने जो पैसे उन्हें 119 रुपए दिए तो मैंने उसको थैंक यू कह दिया। तो थैंक यू कहने पर ही उसने झटक करके पैसे मुझसे वापस ले लिए और बोले तो अरे तुम थैंक यू बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम भंगी होकर के शेड्यूल कास्ट होकर के तुम अंग्रेजी बोलोगे, लाओ पैसे के साथ। पैसे हमारे हाथ से खेल गए और फिर मैं उसके बाद में फीस नहीं भर सका वहाँ। उसके बाद मेरी माँ ने अपने कड़े चांदी के गिरवी रख करके और वो वहाँ पर जो है फीस का इंजाम किया जैसे न तैसे करके। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम मेरे सामने आई है और घटना तो ये सब चीजें हैं। मैं और क्या बताऊँ, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपको ये घटना बताई है कि मैंने जिंदगी कैसे मेरी बची। बाबूजी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने समाज के लोगों को, नए जो लड़के लड़कियां हैं उनके लिए, पूरे समाज के लिए? ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि माय एडवाइस और माय इंस्ट्रक्शन टू माय चिल्ड्रन,
my children, my daughter, my sister, my brother, all my society's answer. मैं हाँ मैं उनको ये चाहूंगा कि वो अब वो जमाना चला गया है, अब हमारा जमाना है, हम ऐसा कुछ करके दिखाएं कि उन लोगों को बताएं कि हम अब वो नहीं रहे हैं और ये संभव है केवल शिक्षा के ही माध्यम से। हमें बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है और मेहनत से पढ़ना है और जो पहला वातावरण था हमारे माँ बाप कुछ भी रहे हों लेकिन हमें अब आज के वातावरण को देखते हुए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कितने अच्छे अच्छे मतलब जो है साइंटिस्ट निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं और इंजीनियर्स निकल रहे हैं दूसरी जाति से, तो हमें भी वही हमें भी बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमने भी उनसे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये कास्ट क्रीड एंड कलर्स में जिसमें हम फंसे रहे, हमारा हिंदुस्तान अब तक जो है उसी में अब तक जो है अवनति का कारण यही रहा है। अगर हिंदुस्तान एक क्लासलेस सोसाइटी हो तो दूसरे कंट्रीज की तरह से हमारी भी एक कहीं इज्जत हो और हमें जो है ना ये कास्ट का स्टिग्मा जो लगा हुआ है हमारे उससे उतर जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम स्कूलों में अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो उनके सामने कास्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जनरल कैटेगरी से आए, पढ़े लिखे और जहाँ आपने कुछ लिखा वहीं आप रिजेक्ट हो गए, अपना सब नाम मत लिखें, अपनी कास्ट न लिखें, कुछ नहीं, मेरी ये एडवाइस है। और पढ़ने लिखने के लिए मैं भी एडवाइस करूँगा, मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं अभी 84 हो चुका हूँ, 85 में रन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने बच्चे यहाँ पर आए। मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो खोला हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको अंग्रेजी की शिक्षा दूंगा क्योंकि मैंने ग्रामर फुल पढ़ी हुई है, बच्चों को पढ़ाया, जिन बच्चों को पढ़ाया है अदर कास्ट के भी वो कामयाब हुए हैं, आज कोई जज है, कोई डायरेक्टर है, कोई वकील है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो लोग जो है पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमें दुखी बात है कि हमारे अपने भाई हमारे बच्चे मेरे पास आने में पता नहीं क्यों झिझकते हैं जबकि मैं उनसे पैसा भी नहीं वसूल करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग आए, बच्चे आए और पढ़े अधिक से अधिक, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रिंसिपल को फॉलो करें। दैट्स ऑल। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज मेरे पूरे स्वच्छकार समाज की आवाज बनेगी और आपने जो संदेश दिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय भीम।